महापौर सीताराम जायसवाल के नेतृत्व में नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम ने शुक्रवार को शास्त्री चौक पर कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क चेकिंग अभियान चलाया तथा बिना मास्क के वाहन चला रहे नागरिकों में मास्क का वितरण किया। इस दौरान महापौर सीताराम जायसवाल ने बिना मास्क के वाहन चला रहे तथा पैदल घूम रहे नागरिकों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया तथा संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क का वितरण किया। लोगों से मास्क लगाकर वाहन चलाने की अपील की, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि शनिवार से बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर जुर्माना वसूला जाएगा तथा उनके गाड़ियों का चालान किया जाएगा। इस अवसर पर प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल CP सिंह, टीम लीडर RK पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, और ये जो साहब ने बोला रोकने के लिए, ये जो वही साहब समझा रहे हैं आपको, अब कल से मैं जुर्माना करूंगा, सिर्फ रो ही नहीं आता सामने हाथ ले तोड़ा है पूरी चीज करेगा। हेलो साहबी, तुमने दो चार की तरह बेकूफ़ी में हो, बेकूफ़ किसी और को
यार हम लोग डॉक्टर हैं, मेरी बात सुनो, और साहब के बेटे डॉक्टर हैं, देखो उसने गलती करी है, सीधा बोलो गलती की कोरोना बड़े ही तेजी से बढ़ रहा है, पूरे देश चिंतित है, पूरी दुनिया भी चिंतित है कि कोरोना एक बीमारी है जिसे मानवता को आक्रोश में ले रही है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है, इसको पकड़ो डब्लू, मास्क लगाना, बार बार साबुन से हाथ धोना और दूरी बना करके रहना, अगर हमें निभाते हैं तो कोरोना हमारे पास फटकेगा नहीं। हम खुद कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं, हम मास्क नहीं लगा रहे हैं, डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं, हाथ नहीं धो रहे हैं, तो हम खुद कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं। हमारी सरकार, मोदी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार इस पर काफ़ी चिंता व्यक्त की है, और हम नागरिकों की जिम्मेवारी बनती है कि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें और अगल बगल के पड़ोसियों को भी जागरूक करें कि हम लोग मास्क पहने, दो गज की दूरी बनाएं और बार बार साबुन से हाथ धोएं। इस तरह से हम अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, यही हम लोगों का उद्देश्य है। कल से आज 5 चौराहे पर अभियान हमारे एनफोर्समेंट टीम के सीपी सिंह जी ने चलाया है, इनके निर्देशन में चल रहा है, इसके परिणाम अच्छे आएंगे और ये परिवार लगातार ये चलता रहेगा, और कल से अनिवार्य रूप से जुर्माना भी लगाया जाएगा, डिटेंशन भी किया जाएगा, गाड़ियों का चलान भी किया जाएगा, ये सब चीज़ें होगी। आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ जनता से कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसका पालन करके अपना बचाव कर सके।